नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े धर्म ग्रंथ वेद और पुराण है उसमें क्या क्या अंतर है, मतलब उनमें कहां क्या ज्ञान हमें बताया गया। भारत देश और वेद एवं पुराण शुरू से ही एक दूसरे से संबंधित हैं, फिर भी हम ऐसे अधिकांश लोग वेद और पुराणों में क्या वेद है ये नहीं जानते। वेद न केवल भारत अपितु संपूर्ण संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और संसार के सबसे पुराने दस्तावेज हैं। वेदों का उल्लेख को वैज्ञानिक ने भी सही माना है। ऐसा कहा जाता है कि वेदों से विश्व के अन्य धर्म की उत्पत्ति हुई और लोगों ने अपनी अपनी भाषा और अपने ढंग से वेदों का ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है। वेद शब्द के उत्पत्ति संस्कृत के वेद शब्द से हुई जिसका अर्थ है ज्ञान, इसीलिए वेदों को ज्ञान के ग्रंथ कहा जाता है। विद्या, विद्यान आदि शब्दों की उत्पत्ति भी यहीं से हुई। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि ये ज्ञान ईश्वर द्वारा ऋषियों मुनियों को सुनाया गया था। उस काल में वेद लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इसे ज्ञान को स्मृति के रूप में ही याद रखा गया था। ये स्मृति और बुद्धि पर आधारित ग्रंथ था। वैसे तो वेदों को कुछ हजार वर्ष पुराना माना गया है, जबकि असल में वेद 1,97,000,000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वर्तमान में वेदों को हम 4 नामों से जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इनके उपवेद हैं आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, संतापक वेद। परंतु ऐसा कहा जाता है कि पहले केवल एक ही वेद था। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व तक वेदों की संख्या एक ही, बाद में लोगों को समझाने हेतु इन्हें सरल बनाने के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामवेद को काम, अर्थवेद को अर्थ। इसी तरीके से अलग अलग भागों में वेदों को भाग करा गया और इसी आधार पर धर्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र, कामशास्त्र और अर्थशास्त्र भी लिखे गए। वेदों में मनुष्य जीवन से संबंधित हर बात उल्लेख है। उदाहरण के लिए आप जान लीजिए कि वेदों में किन किन का उल्लेख है। वेदों में आयुर्वेद, खगोल, भूगोल, ब्रह्मांड, ज्योतिष, रसायन, गणित, धार्मिक नियम, बौद्धिक विज्ञान, प्राकृतिक इतिहास, विधि विधान आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी। ऐसा माना जाता है कि अग्नि, वायु और सूर्य देव ने तपस्या करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान प्राप्त, इसलिए इन वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से भी जोड़ा जाता है। वही अर्थवेद को अंगिरा से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद ये सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 अध्याय, 1,028 सूतक और 11,000 मंत्र हैं। इसमें देवताओं का आह्वान कैसे किया जाए वो सभी मंत्र हैं। 7 चिकित्सा, भौगोलिक स्थिति, देवताओं की प्रार्थना और देवलोक में देवताओं की स्थिति के अतिरिक्त अनेक बातों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग, शुक्ल और कृष्ण। इस भेद में यज्ञ की वास्तविकता, प्रक्रिया की मंत्र उल्लेख। सामवेद, इसमें ऋग्वेद की रचनाएं गीत रूप में, इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से ही। इसमें अग्नि, सविता और देवताओं के विषय में उल्लेख मिलता है। अर्थवेद, इसमें प्राकृतिक औषधि अर्थात जड़ी बूटियों, आयुर्वेद, रहस्यमय विद्याओं आदि का उल्लेख है। पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है। ऐसे भी मान्यता है कि वेदों को लिखित रूप में लाने के बाद भी सभी श्लोकों में लगभग 100 करोड़ श्लोक बाकी रह गए। इन श्लोकों का संकलन वेद व्यास द्वारा किया, जिनमें से 18 संकलनों को पुराण कहा जाता है। इसके बाद लगभग 18 उपपुराण लिखे गए और इनके अतिरिक्त बाकी रहे श्लोकों को लेकर 28 उपपुराणों को और भी लिखे गए। मुख्य 18 पुराणों में 6 पुराण ब्रह्मा, 6 विष्णु और 6 महेश्वर को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित 6 पुराणों के नाम विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, श्री भगवत पुराण। ब्रह्मा जी को समर्पित ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैर्तव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, पद पुराण। महेश्वर अर्थात शिव जी को समर्पित शिव पुराण, लिंग पुराण, कुकर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण। जैसे कि मैंने बताया कि वेदों में मानव जीवन से संबंधित हर बात का वर्णन, वेदों में श्लोकों के माध्यम से नियम बताए कि जीवन में हर कार्य व्यवस्थित ढंग से कैसे किया जाए।
परंतु कलयुग में मनुष्य के लिए वेदों को समझना बहुत कठिन है। प्रत्येक तथ्य के पीछे क्या धारणा और मंतव्य है, यह हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए पुराणों में वेदों के नियमों की कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। कहानी और इतिहास के माध्यम से हमें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार किस दिशा की ओर अग्रसर होना है। और हाँ, ये सभी वेद और पुराण एक ही तत्व के बारे में बताया गया और वो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। इसलिए आप इन धर्म ग्रंथों को अलग अलग न माने। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।